किचन छोटा हो या बड़ा हो, साफ सुथरा और वेल ऑर्गेनाइज ही अच्छा लगता है। हेलो दोस्तों, मैं रचना अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आपके लिए एक किचन ऑर्गेनाइजेशन की नई वीडियो लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले जो मेरी ये रैक थी, मैंने अमेजोन से परचेज की थी, ये ब्लैक कलर की थी, इसके ऊपर मैंने वाइट पेंट किया है। और एक रैक मेरी ये येलो कलर की थी, इसके ऊपर भी मैंने वाइट पेंट किया है। दोनों रैक को मैंने काउंटर टॉप के ऊपर ऑर्गेनाइज किया है। काउंटर टॉप मेरा बहुत ही छोटा है और छोटे काउंटर टॉप को आप किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करते हैं वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो देखिए, जो मेरी फर्स्ट रैक है, इसके बीच वाली पोर्शन में मैंने सारे स्पाइसेस बॉक्स रखे हैं और नीचे जो मेरे ये ग्लास जार हैं वो मैं नीचे ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। इसके टॉप पोर्शन में जो मेरे ऑयल के कंटेनर हैं वो मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज करूँगी। इसके पास में ही मैंने एक छोटा सा मनी प्लांट का जो बॉटल है वो यहाँ पर मैंने रखी है, ताकि यहाँ पर थोड़ी ग्रीनरी ऐड हो जाए। अब चलिए चलते हैं अपनी दूसरी रैक की तरफ। यहाँ पर मैंने केवल क्रॉकरी का सामान ही रखा है, जो मेरे डेली में यूज़ होने वाले जो टी मग्स हैं वो यहाँ पर मैं नीचे और ऊपर के पोर्शन में भी मैं टी मग्स ही ऑर्गेनाइज करूँगी। किचन कितना भी बड़ा हो, लेकिन हाउसवाइफ्स को लगता है कि किचन आपका छोटा ही है और यहाँ हम किस तरीके से इसमें ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, यही हम हर समय सोचते रहते हैं। तो देखिए, काउंटर टॉप के ऊपर मैंने ज़्यादा सामान नहीं रखा है, क्योंकि काउंटर टॉप मेरा बहुत ही छोटा है। ये एक स्पैचुला बॉक्स है, तो ये इसके अंदर मैंने सारे स्पैचुला वगैरह ऑर्गेनाइज करके रखे हैं। इसको आप ऊपर हैंग भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने अपने काउंटर टॉप को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमें काउंटर टॉप के ऊपर ज़्यादा सामान नहीं रखना चाहिए, ताकि हमें काम करने में आसानी रहे। और देखिए, मैंने पूरे काउंटर टॉप को बिल्कुल खाली ही रखा है और सारा सामान मेरा ऊपर लगा हुआ है।